लव यू दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। एक फ़ोन मंगाया हमने फ्लिपकार्ट से, उसकी चलिए देखते हैं फ़ोन कैसा है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। पैकेजिंग मैंने एक बार ऑर्डर मंगाया था उसमें काफ़ी डैमेज पैकेजिंग थी, लेकिन ये अच्छी है। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या चीज़ है। ये देखिए हमारा फ़ोन निकल आया है, फ़ोन रियल मी सी थर्टी फ़ोन है। 4GB रैम और 64GB रोम है। इसमें जो है ना प्रोसेसर यूनिस्को T612 ऑक्टाकोर प्रोसेसर यूज़ हुआ है। इसका रियल कैमरा 8 मेगापिक्सल है और फ्रंट बैक कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है। डिस्प्ले इसकी 6.5 इंच है, HD प्लस LCD पैनल। बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, बैटरी 5000 मेगापिक्सल है। अब ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा फ़ोन है, कैसा चलता है, कैसा वर्क करता है। बट ये फ़ोन आप सोच रहे होंगे मैंने लिया, मेरे लिए फ़ोन नहीं है ये, मेरा एक दोस्त है, उसने लिया है अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए। तो अपने पापा जी को गिफ्ट करेगा तो हमने कहा चलिए इसको भी सूट कर लिया जाए और अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए, अपने परिवार को दिखाया जाए कि फ़ोन कैसा है। देखिए काफ़ी प्यारा फ़ोन है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसे साइड में रखते हैं, चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या है। बॉक्स में चार्जर, एक लीड सी टाइप, और ज़्यादा कुछ तो बॉक्स में है नहीं। देखिए बस ये दो ही चीज़ें दी हुई हैं। चलिए देखते हैं बाकी इन सब चीज़ों को, साइड हटाते हैं। ये फ़ोन डाटा केबल, चार्जर, इस पर पन्नी चढ़ी होती है इसलिए ताकि स्क्रैच से बचे। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इस पर मैंने एक कमी देखी कि जैसे ही इस पर फिंगर लग रहे हैं ना, फिंगरप्रिंट छप जा रहे हैं इसमें, इसके टच पे। तो ग्लास पैनल लगाना बहुत ज़रूरी है, ग्लास। ये देखिए कितने सारे छप गए हैं, बाकी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहीं, मतलब ये काफ़ी ऑड लगता है, काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कितनी गंदी डिस्प्ले। और इधर ये वॉल्यूम और पावर ऑन ऑफ, इसके साइड में देखते हैं, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, दूसरे साइड सिम इजेक्टर है, सिम और मेमोरी कार्ड के लिए। इसमें दोनों सिम 4G हैं। ये लीड के लिए है, माइक हो गया, चार्जर पॉइंट हो गया, सी टाइप और स्पीकर हो गए, कैमरा हो गया 8 एम्पियर, और नीचे रियलमी की ब्रांडिंग। फ्रंट में आपका 5 एम्पियर कैमरा है, 5 एम्पियर इसका फ्रंट कैमरा हो गया। बाकी आप इसका लुक देखिए, लुक वाइज तो काफ़ी प्यारा फ़ोन है ये। बजट फ़ोन है क्योंकि ये हमें पड़ा है 7999 का। ये चार्जर है, और चार्जर कितने एम्पियर का है ये आप, वोल्टेज का है कितने वो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके, आप पॉज करके देख लीजिएगा कि कितना वोल्टेज है। क्वालिटी अच्छी है चार्जर की भी, मटेरियल अच्छा यूज़ किया है। बाकी आप इसे पॉज, वीडियो पॉज करके आप इसमें पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये इसकी सी टाइप है, इसे हमने ओपन नहीं करी थी। चलिए फ़ोन पे आते हैं,
फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि फ़ोन कैसा है, किस प्रकार इसका लुक है अंदर से। चलिए ऑन करते हैं इसे। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रांडिंग आ गई, Realme। मैंने भी Realme के फ़ोन काफ़ी टाइम यूज़ किया है, करीब 2-3 साल। Realme U1 काफ़ी टाइम यूज़ किया था, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि बजट में काफ़ी अच्छे फ़ोन होते हैं। अभी फ़िलहाल इस समय तो मैं iPhone यूज़ कर रहा हूँ। Realme भी मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया था। ये ऑन हो गया, चलिए इसे ऑन करते हैं। जल्दी से इसे पूरा सेटअप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए इसका सेटअप हो चुका है, ये देखिए खुल गया है। इसका कैमरा देखते हैं कैमरा कैसा है, इन सब को अलाउ कर देते हैं, ये सब अलाउ। चल तो अच्छा है कैमरा, क्योंकि पापा हर जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, दोस्त के पापा अपने पापा, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना हमारे माँ बाप ने सिखाया है, तो हम बड़ों का सम्मान करते हैं। और चलिए आपको कैमरा दिखाते हैं, कैमरा अच्छा है, बैक करते हैं। बाकी फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है। और बाकी आपसे दोस्तों विनती है कि आप इस चैनल पर आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।